हेलो गाइस, मेरा नाम है समर। तो गाइस, आज इस वीडियो में हम स्क्रू जैक बनाने वाले हैं, जो कि फ्रेंड्स काफी पावरफुल होने वाला है। तो गाइस, यकीन मानिए वैसी वीडियो सभी के लिए है, फिर भी अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो फ्रेंड्स बेस्ट प्रोजेक्ट का खिताब आपको ही मिलने वाला है। आप ही होंगे नेक्स्ट, आपके पीछे वाले भी देख रहा ना, उससे बता देना। तो प्लीज दोस्तों, वीडियो कंप्लीट हो, काट दी यार, मैंने खेती वीडियो बहुत काटा करो, आगे बंद निकाला करो। चले दोबारा बोल रहा हूँ, प्लीज दोस्तों वीडियो कम वॉच करनी है। चले फ्रेंड चलते अपने टॉपिक पर, चलिए समर एक्सपेरिमेंट। तो गाइस, यहाँ मैंने 1 इंच की प्लाई ले ली है, प्लस इसके ऊपर एक 2 mm का एंड बोर्ड पे चिपका जाए, थोड़ा खूबसूरत होना चाहिए, मतलब मजबूत भी है और अच्छा भी लग रहा है। देखिए, अब यहाँ पे मैं ले रहा हूँ एक 9 इंच का बोल्ट। फ्रेंड जितना लंबा बोल्ट आप लोगे, तो फिर उतना ही ऊंचाई उड़ जाएगा, मतलब सॉरी इतना ऊपर ही उड़ जाएगा। तो भाई मैं 9 इंच का बोल्ड ले रहा हूँ, आप 1 फुट 2 फुट 100 फुट तक भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कैपेसिटी की बात है भैया, मैं कमजोर गरीब आदमी हूँ तो भाई मैं इतने ले रहा हूँ। तो भाई यहाँ पे मैं एक बैरिंग आपको दिखा रहा हूँ, देखिए इस तरह कुछ इसका नंबर देख सकते हो। तो गाइस फटाफट इसका निकालते हैं भाई मिड पॉइंट। अब आप सोचोगे समझ आया, तूने 1 इंच मोटी प्लाई क्यों ली। फ्रेंड्स आप कुछ तख्ता भी ले सकते हो, प्लाई भी ले सकते हो, चलिए मैं बता दूं क्यों ली। देख गाइस, इस बोल्ट में ये बैरिंग फिक्स है, ठीक है। देखिए, हमें इसके बिल्कुल मिड में फिक्स करना है, जैसे फ्रेंड्स बिल्कुल सीधा खड़ा रहे, और देखिए इतना कम से, यानी कि बिल्कुल इसके अंदर आना है, इसके अंदर फिक्स होना है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ा मोटा स्पेस चाहिए, इसलिए मैंने मोटी प्लाई ली है, कोई तख्ता ले सकते हो। चले गाइस थोड़ा इसके अंदर फिक्स कर लेते हैं। तो गाइस इसे फिक्स करने से पहले देखिए, ये जो बोल्ट है देखिए ये इस शेप का, फ्रेंड्स हमें इसे राउंड शेप का बनाए, जिससे कि फ्रेंड्स इजीली बिल्कुल फ्री घूम सके। तो चले गाइस पहले इस पर कुछ प्रोसेस करते हैं, फिर इसके अंदर से फिक्स कर देते हैं। तो देख गाइस क्या मस्त लग रहा है, देखिए अब ये अटकेगा नहीं और स्मूथली बिल्कुल फ्री तरीके से घूमेगा। तो चलिए गाइस अभी से फिट करते हैं, ठीक है। देखिए थोड़ा सा मुझे लगता है ये थोड़ा नहीं, काफ़ी लूज है। देखिए तो भाई इसके लिए मैं यूज़ कर सकता हूँ पेपर टेप, या आप पीवीसी टेप भी यूज़ कर सकते हो, थोड़ी सी लगा लेते हैं बस। देखिए अब ठीक है, वरना फ्रेंड्स का बैलेंस आउट हो जाएगा, अब बिल्कुल ओके है। और भाई ये टेप एक्स्ट्रा निकली है, इसे हम कट कर देंगे। तो गाइस ये हो चुका है कंप्लीट। तो चलिए भाई अब इसे इसके बिल्कुल मिड में फिट करते हैं। तू भी कॉमेडी कर ले, और भाई इसकी हरकत मत जाओ, हरकत इसकी बहुत गंदी है, लेकिन भाई हॉल बहुत अच्छा किया है, जो बात है देखिए। आप सब चीज़ें छोड़िए भाई, होल देखिए क्या मस्त होल हुआ है। देखिए ये अंदर छोटा है, ये सब थोड़ा बड़ा है। रीज़न भाई ये है कि देखिए यहाँ पे कम एरिया है, जिसका हेड है बोल्ट का, और भाई ये बैरिंग है, देखिए इसके अंदर इस तरीके से चला जाएगा, और देखिए बिल्कुल फ्री, देखिए ऐसे आप लस्सी छाछ बना सकते हो। अब आते हैं इसे चिपकाने पर। तो गाइस अभी हम इसे चिपकाने रहे, तो फ्रेंड्स काफ़ी वक्त लगेगा, तो भाई अभी कुछ और हम काम करते हैं, इसे फिलहाल साइड में रखते हैं। इसके चारों कॉर्नर पे मैंने मार्क लगा लिया, देखिए 1 इंच और 1 इंच, 1x1 इंच का, 1x1 इंच का, इस तरह से मैंने यहाँ मार्क लगा लिया है। देखिए यहाँ मैं होल करने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैंने 3 सूत के होल कर लिए, जितना मोटा हमारा बोल्ट है, तो भाई लगा के देखते हैं। तो भाई ये रहे बोल्ट, और ये 4 बोल्ट इसमें लग जाएंगे, लेकिन गाइस यहाँ पर एक प्रॉब्लम आएगी, जब देखिए इसके ऊपर जो चलेगा, जो स्लैब चलेगी जो मैं लगाने वाला हूँ। फ्रेंड देखिए यहाँ पे थ्रेडिंग बनी, काफ़ी चूड़ी बनी, इस पर अटकेगा, थोड़ा सा इन्हें भी हम रफ कर लेते हैं, लेकिन चारों को थोड़ा थोड़ा इनकी चूड़ियाँ खत्म कर लेते हैं। चूड़ी खत्म करने से पहले एक बात का ध्यान रहे, देखिए गाइस यहाँ तक आपको खत्म नहीं करनी, क्योंकि यहाँ तक फ्रेंड्स हम बोल्ट से रोकेंगे। तो भाई इन चारों को मैंने कुछ इस तरह का सा रफ किया है, ज़्यादा रफ नहीं किया, क्योंकि फ्रेंड मुझे अभी इन पर नट भी लगाने हैं, वरना फ्रेंड दिक्कत हो जाती है भाई। तो फटाफट अब इन्हें इस पर, अब यहाँ पर जो थोड़ा सा शार्पनेस था ना फ्रेंड्स, वो इसका खत्म हो गया है। तो चले भाई सारों को इस तरीके से लगा देते हैं। तो लीजिए गाइस, अब आप चाहो तो इसे स्टूल बना के भी बैठ सकते हो। ये सारे बोल्ट हैं, ये बिल्कुल सीधे होने चाहिए, देखिए देख सकते हो बिल्कुल इक्वल गैप है, और सारा चेक कर सकते हो, वरना फ्रेंड्स बाद में दिक्कत होगी, क्या होगी आपको पता लग जाएगी भी, बिल्कुल ओके।
और देखिए बिल्कुल बेहतरीन। अब यहाँ पर मैंने एक तीन सूत की प्लाई ले ली है और मैंने इससे पहले मार्क कर लिए थे, इसे इसको परख के इस तरीके से कितना डाल के पहले पेंट बिल्कुल इक्वल हो और ये इसके ऊपर नीचे मूव होगी। तो भाई चलिए इसके हम होल कर लेते हैं पहले। तो भाई इसमें भी काफ़ी अच्छे से होल हो चुके हैं और देखते हैं कितना फिट बैठता है। देखिए वाह, देखिए गाइस ऊपर से नीचे तक बिल्कुल फिट बैठा। लेकिन गाइस यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो सकती है, देखिए अभी तो मैं सीधा करो फ्रेंड्स, इसलिए बिल्कुल स्मूथ चला, ठीक है। अगर देखिए फिर टेढ़ा हो जाता है, देखिए अटक गया, या देखिए या फिर इस तरीके से देखिए अटक गया, या फिर इस तरीके तो भी ये अटक जाएगा। तो भाई इसका भी सॉल्यूशन है हमारे पास। तो गाइस इसका एक सिंपल सा जुगाड़ है, मैं यहाँ पे 20 mm का पीवीसी का पाइप ले रहा हूँ, आप 25 mm का भी ले सकते हो। तो मैंने इस पाइप के ऐसे 4 cm के 4 पीस कट कर लिए हैं और इन्हें मिडियम से भी थोड़ा देखिए इस तरह कट कर लिया है, जिससे कि मैं इन पीसों को इसके अंदर थोड़ा सा प्रेस करके देखिए यहाँ पर लगा सकता हूँ इस तरीके से। तो गाइस ऐसे मैंने चारों लगा लिए हैं, अब मैं इन्हें चिपका दूंगा। तो चले गाइस अभी से लगा के देखते हैं भाई कैसा लगा है। देखिए बहुत बढ़िया, देखिए गुड। चलिए गाइस उल्टा करते हैं और भाई बिल्कुल सीधा यहाँ पर मार्क लगाते हैं। अब इसके मिड में हमें ये नट फंसाना है, अच्छे से चिपकाना है, सारा सिस्टम इसी पर होगा। तो भाई ये वाला पार्ट भी बन चुका है। अगर आपको लगे कि समर ये नट निकल सकता है, वैसे फ्रेंड्स मैंने अच्छे से उसकी ठुकाई कर दी है, चिपका भी दिया है, फिर भी हम कुछ और जुगाड़ देखेंगे, इस पर कुछ पत्ते लगा सकते हैं, फ्रेंड्स सारा सा लोड इस नट पर ही रहेगा। खैर वो चीज़ हम बाद में देखेंगे, प्लीज दोस्तों बने रहिए, प्रैक्टिकल करके देखेंगे। भगा दे यार इस रखते हैं साइड में। और चलिए अब इस नट पर आते हैं जिसमें हमने बेयरिंग लगाया था फ्रेंड्स, जो इसे उठाएगा। तो गाइस यहाँ पर हम कुछ गियर का यूज़ करने वाले हैं टॉर्क बढ़ाने के लिए, फ्रेंड थोड़ी सी ताकत ज़्यादा हो जाए हमारे जैक की। तो भाई आप देखिए जितना बड़ा आप गियर लगाओगे उतनी ज़्यादा ताकत रहेगी, ज़्यादा टॉर्क रहेगा, जैसे छोटा होता चलेगा फ्रेंड उसके हिसाब से टॉर्क कम होता चलेगा और आरपीएम बढ़ते चले जाएंगे। यहाँ फ्रेंड्स हमें टॉर्क ज़्यादा चाहिए, आरपीएम कम चाहिए, जिससे फ्रेंड ज़्यादा लोड ये उठा सके, क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हो जैक का काम होता है वेट उठाना, फ्रेंड ज़्यादा वेट उठा सके। तो गाइस हम यहाँ पर बड़ा गियर यूज़ करेंगे। अब इस गियर को इस बोल्ट के अंदर फिक्स करना है। अब भाई बोल्ट को तो हम पतला नहीं कर सकते, तो फ्रेंड जो गियर का होल है ऐसे ही बड़ा कर देते हैं। फुल जड़ी देखिए क्या मस्त लग रहा है। बस भाई तो हल्के से ही कसना, मतलब कस तो अच्छे थे लेकिन इतना टाइट मत करना, देखिए क्या मस्त हो गया है। तो चलिए गाइस यहाँ पर रोकते हैं, चिपकाते हैं। तो चलिए इसको लगाते हैं बस। तो भाई अब इसे यहाँ पर चिपकाना है, तो इसे रोकने के लिए हम एयर टाइट का यूज कर सकते हैं, अच्छा है, और MCL का भी यूज कर सकते हो चाहो तो। तो चले गाइस अभी से डायरेक्ट सनलाइट में रख देते हैं 10-20 साल के लिए, मिलते हैं 20 साल बाद। तो लीजिए गाइस ये सूख चुका है और भाई देखिए बहुत बढ़िया वर्क रहा है, देखिए नीचे आ रहा है और ये ऊपर आ रहा है। तो चले गाइस अब आते हैं इसकी मोटर पर। तो गाइस तीन तरह का आपको मैं मोटर दिखा रहा हूँ, 775, 550 और 370 गियर मोटर, वैसे जॉनसन्स गियर मोटर भी कहते हैं इसे। तो भाई ये तीनों ही 12 वोल्ट के, अब जैसा मर्जी मोटर लगा सकते हो। देखिए फ्रेंड्स ये 370 अलग से मोटर मिलता है, आप इसे भी लगा सकते हो, लेकिन दिक्कत है फ्रेंड्स हमें आरपीएम नहीं चाहिए। अगर हमने इसे डायरेक्ट लगा दिया तो फ्रेंड्स बहुत फास्ट ऊपर नीचे हो जाएगा, क्योंकि दोस्त आप जानते हो भाई आरपीएम हाई है, टॉर्क कम है, ठीक है, जो कि फिर यहाँ पर हमें टॉर्क ज़्यादा चाहिए। तो भाई वैसे मैंने ऑलरेडी इसमें गियर लगा दिया है, फिर भी हाई टॉर्क के लिए फिर से गियर मोटर लगाने वाला हूँ, स्पीड कम रहेगी लेकिन भाई टॉर्क बहुत जबरदस्त होने वाला है। तो फ्रेंड्स हम ये जो कि 300 rpm गियर मोटर 12 volt DC ये यूज़ करने वाले हैं, इन्हें थोड़ा साइड रखते हैं, आप कोई से भी लगा सकते हो जो भी आपके पास अवेलेबल हो। तो भाई इस मोटर से इस गियर घुमाने के लिए हमें स्क्रू गियर की जरूरत भी पड़ेगी फ्रेंड्स। तो भाई ये रहा स्क्रू गियर, अब देखिए इस पे ऐसे लग जाएगा और भाई मस्त घुमाएगा, पहले भाई से लगाते हैं फिर प्रैक्टिकली देख लेंगे यार। तो लो भाई अच्छे से लगा लिया है और ये घूमता काफ़ी मुश्किल से है, और अब इसकी फिटिंग जैसे आप चाहो लगा सकते हो, तो मैं थोड़ा अलग तरह से लगाने वाला हूँ, देखिए इस तरीके से। और इसे रोकने के लिए ये क्लिप है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्लिप मैंने बनाए हैं इसे रोकने के लिए। मोटर को लगाने के लिए भाई इसे निकालना पड़ेगा, मैं ये ऐसे निकल जाएगा, बेफिक्र रही निकाल दिया, देखिए अब मस्त तरीके से लगाएंगे।
तो गाइस ये बन चुका है और कुछ ऐसा लग रहा है बनने के बाद। चलिए खैर वो चीज़ हम बाद में टेस्ट करेंगे, फिलहाल ये ऊपर ना निकल जाए घूमते घूमते, तो फिर इसके लिए आप हम लिमिट स्विच लगा देते हैं। तो गाइस ये लिमिट स्विच हम यूज़ करेंगे जो कि 5 एम्पियर में है, और भाई यहाँ पे इसे लगाने वाले फ्रेंड्स ऊपर ना निकल जाए, यहाँ पे आकर पुश करेंगे रुक जाए ऑटोमेटिक, ठीक है। तो गाइस वैसे तो लगाने के काफ़ी सारे आइडिया हैं, लेकिन मैं एक सिंपल आइडिया आपको बताना चाहूँगा। फिर भी देखिए आप इस तरह से यहाँ कुछ पीवीसी शीट या लकड़ी का डंडा लगाकर देखिए इस जगह से यहाँ पर रोक सकते हैं, ठीक है, जैसे फ्रेंड्स ये आ जाए और ये पुश हो जाए देखिए, ठीक है। लेकिन दोस्त मैं थोड़ा अलग तरीके से लगाने वाला हूँ, मैं इसे लगाऊंगा इस जगह नीचे थोड़ा सा, और मैं इसे यहाँ इस तरीके से लगा दूंगा। तो ये कुछ इस तरीके से लगा दिया, जैसे फ्रेंड्स ऊपर जाएगा तो यहाँ पे पुश हो जाएगा और ये रुक जाएगा ऑटोमेटिक। तो चले गए फटाफट, अब इसके पास कनेक्शन करने रह गए हैं। यहाँ पर पावर देने के लिए डीसी सॉकेट यूज करूंगा, स्विच ऑन या ऑफ करने के लिए बैंड स्विच का यूज करूंगा, देखिए 1, 2 और 3। चलिए मैं फटाफट कनेक्शन कर देता हूँ। तो गाइस कंप्लीट कनेक्शन कर दिए हैं। चलिए आपको थोड़ा बताता हूँ जिससे कि आपको पता लग जाए, वैसे आपको पता ही फिर भी, देखिए जिन्हें नहीं पता उन्हें पता लग जाएगी। देखिए गाइस ये वाला वायर और ये वाला, देखिए माइनस प्लस जो मोटर के बिल्कुल मिड में, स्विच के बिल्कुल मिड में लगाएं, 6 पिन है ना, तो बीच के 2 पिन में लगा दें, ठीक है। अब देखिए एक रेड वायर गया शुरू वाले से, देखिए यहाँ से इस तरह क्रॉस में गया है, ठीक है। अब ये एक वायर और क्रॉस में जाता है, लेकिन फ्रेंड्स वो वायर मैं क्रॉस में ना ले जाके सीधा में लेके यहाँ पे देखिए सीधा इस लिमिट स्विच में, ठीक है, यहाँ से इस कोने से और लास्ट के इस कोने तक, ठीक है। और यहाँ पे 2 में लगा दिए बस पावर सप्लाई, देखिए जहाँ पर हम इसे 12 वोल्ट देंगे, ये इसका डीसी सॉकेट है। आप एक बार देख सकते हो कि किस तरीके से कनेक्शन किए हैं, देखिए। अब यहाँ पे जैसे फ्रेंड्स ये ऊपर पहुँचोगे तो भाई देखिए ये पुश हो जाएगा और यहाँ से कनेक्शन हट जाएगा, तो दोस्त यहाँ से क्या होगा कि भाई ये मोटर रुक जाएगा बस। लेकिन फ्रेंड्स अगर आप इसे स्विच को नीचे करोगे तो मोटर नीचे चल जाएगा, लेकिन इससे ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है, वो मैं आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखा दूंगा। फिलहाल मैं फटाफट चिपका देता हूँ। तो लीजिए गाइस ये कंप्लीट हो चुका है हमारा ये प्रोजेक्ट, हमारा स्क्रू जैक। चले गए फटाफट इसकी टेस्टिंग करते हैं, हमारा स्विच कैसा काम कर रहा है या हमारा पूरा सिस्टम कैसा काम कर रहा है। तो चले गए फटाफट 12 वोल्ट देते हैं भाई इसका सॉकेट और लगा दिया, देखिए अभी स्विच बिल्कुल मिड में है, चलेगा नहीं, ठीक है, मुझे इधर करता हूँ, देखिए चलने लगा है और ये ऊपर की तरफ जा रहा है, देखिए ये बंद हो गया, क्योंकि गाइस इससे ऊपर जाएगा ही नहीं, क्योंकि लिमिट से देखिए पुश हो गया। अब देखिए मैं इसे नीचे चला सकता हूँ, नीचे चला जाएगा, ऊपर से ज़्यादा नहीं जा पाएगा, ठीक है, देखिए नीचे जा रहा है, देखिए फिर फ्रेंड से अच्छा काम कर, लेकिन भाई दिक्कत एक बहुत बड़ी है, देखिए ऊपर चल रहा है, देखिए अभी मैं आपको बताऊँगा, देखिए देखिए यहाँ तक ही रुक गया ऑटोमेटिक, अब देखिए नीचे चला जाएगा। तो फ्रेंड्स प्रॉब्लम क्या आ रही है भाई, आरपीएम बहुत ही ज्यादा कम है, बहुत ही ज्यादा लो है, या फ्रेंड्स का टॉर्क बहुत हाई है भाई, इस पर आप कुछ भी लोड रख सकते हो आराम से ले जाएगा, नहीं ले सकते फ्रेंड्स ये टूट जाएगा, यकीन मानिए दोस्त, लेकिन भाई आरपीएम बहुत ही ज्यादा लो है भाई, इतना तो काम नहीं, देखिए अगर मैं चलाता हूँ देखिए कितना स्लो ये घूम रहा है। चलिए फ्रेंड्स आपको बताऊँ कि कितने आरपीएम पे वर्क कर रहा है। तो गाइस यहाँ पर मैं एक पॉइंट लगा देता हूँ, तो फ्रेंड इससे ये पता लगे कितने आरपीएम इसके हैं, देखिए कहीं भी मैं एक पॉइंट लगाता हूँ और भाई इस पे भी लगाता हूँ, इस गियर पे भी लगाता हूँ, तो भाई देखिए ये हो गया पॉइंट तैयार, ठीक है। अब मैं इसे घुमा के देखता हूँ भाई कितने आरपीएम पे काम कर रहा है, ठीक है, तो मैं यहाँ से देखिए इसे एक साथ चालू करूँगा, तो ले जी गाइस भाई 2 आरपीएम 2 आरपीएम 2 आरपीएम 1 मिनट में सिर्फ ये 2 बार घूम रहा है, ठीक है, तो भाई कितने कम आरपीएम है, टॉर्क बहुत हाई है और भाई आरपीएम बहुत कम है, यानी कि 1 मिनट में सिर्फ 2 चक्कर ये लगा रहा है रेवोल्यूशन पर मिनट। तो गाइस पहले स्लैब को मैं नीचे पहुंचा देता हूं, उसके बाद मैं इसे ऊपर उठाऊंगा वेट रखकर। तो भाई इतना काफी है टेस्टिंग करने के लिए, वैसे आप इसे बिल्कुल नीचे पहुंचा सकते हो, यहाँ तक तो आ ही जाएगा जहां तक मोटर है। तो चले गए थोड़ा सा वेट लिफ्टिंग टेस्ट कर लेते हैं भाई इसका, और ये अप्रोक्स 1.5 kg वेट है, अप्रोक्स 1.5 किलो, और भाई फटाफट मैं रखता हूँ यहाँ पर और यहाँ पर, देखिए यहाँ पर लिमिट स्विच लग रहा है, मैं आपको शो कर रहा हूँ। चलिए फ्रेंड्स मैं फटाफट इसे ऑन करता हूँ और मैं थोड़ा बहुत देख लिए, सिर्फ थोड़ा बहुत देख लिए दफा हो जाता हूँ। तो भाई रुक गई भाई, बहुत ही जल्दी रुक गई, पूरा 1 घंटा लगा था, पूरा 1 घंटा बर्बाद कर दिया,
इतना वक्त लगता है कोई, देखिए कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, बहुत ईजिली इसने उठा दिया। हाँ, क्योंकि मैंने उठा दिया था, थोड़ा सा ही नीचे आ गया था। चलिए बहुत बढ़िया, ये काम कर रहा है देखा जाए तो भाई। देखिए फ्रेंड्स, भाई आरपीएम बहुत कम है, तो भाई इसके आप आरपीएम कैसे बढ़ा सकते हैं? फ्रेंड्स यहाँ पर आप गियर मोटर मत लगाइए, देखिए जो मैंने गियर मोटर लगाई ऑलरेडी 300 आरपीएम गियर मोटर है, तो भाई इसके खुद के आरपीएम इतने कम है। उसके बाद फ्रेंड्स हमने एक बड़ा गियर लगाया था, भाई और ज़्यादा आरपीएम कम हो गए। चलेगा इस एक थोड़ा छोटा सा एक गियर और लगा देख लेते हैं कैसा काम करता है। A few moments later. तो लीजिए गाइस, यहाँ पर मैंने गियर छोटा कर दिया है। देखिए गाइस, पहले ये वाला गियर लगाया था, मैं वाला लगा सकता था, ये नहीं लगा, ये भी लगा सकता, ये नहीं लगा, लेकिन डायरेक्ट मैंने सबसे छोटा गियर लगाया, क्योंकि फ्रेंड्स आप जानते हो हमें थोड़े आरपीएम इसमें चाहिए, टॉर्क भी चाहिए, ठीक है। तो भाई इसे देखते हैं कैसा काम करता है। तो चले गाइस फटाफट से ऑन करके देखते हैं कितना स्पीड पर फर्क पड़ा है। देखिए वाओ, देखिए गाइस पहले तो काफी फास्ट स्पीड होगी, देखिए आरपीएम भी काफी हाई होंगे। देखिए गाइस ये पूरा का पूरा स्लैब है, ये नीचे जा रहा है, देखिए। चलिए थोड़ी सी स्पीड फास्ट कर देते हैं। एक बात और देखिए, अभी मैं इसे 12 वोल्ट दे रहा हूँ डीसी मोड को। चलिए फ्रेंड फटाफट इसे 24 वोल्ट भी करके देखते हैं कितना स्पीड का फर्क पड़ता है। तो चले गए फटाफट इसे भाई, अब हम ऑन करके देखते हैं। 24 वोल्ट हो चुके हैं, देखिए सही वाह, स्पीड जस्ट डबल। तो भाई इतना लगभग बहुत है, लगभग हाफ ही आ चुका है। चले गाइस अब इस पर थोड़ा सा वेट रखते हैं, फिर देखते हैं भाई कैसे काम करता है। तो चलिए गाइस फटाफट रखते हैं मैग्नेट्स, ठीक है गुड, और इसे करते हैं ऑन। देखिए कुछ भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, अच्छा काम कर रहा है, और मैं इसका लोड आपको अभी डाल के दिखाऊंगा, प्लीज़ दोस्तों बन रही है। तो चले गाइस पहले तो लगभग हाफ के जी की मैग्नेट रखते हैं, और भाई ये रही बैटरी, ये अप्रोक्स 10 केजी की बैटरी है। और भाई देखते हैं इसे रख के इसके ऊपर, देखिए अभी तक तो बहुत ही बेहतरीन उत्तम। और देखिए हम इसे ऊपर उठा कर देखेंगे, ठीक है। तो मैं इसे थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, इसका थोड़ा बैलेंस बन जाए, देखिए देखिए कोई दिक्कत नहीं, देखिए आराम से ऊपर जा रहा है, देखिए। रुक गया, ऑटोमेटिक रुक गया, अब मैं इसे नीचे करता हूँ, देखिए नीचे तो भाई आराम से चला ही जाएगा। और चलिए वाला लोड ब्रेक कर देख लेते हैं, अभी पूरा अप्रोक्स 10 के जी इसके अंदर वेट हो चुका है। पहले से नीचे करता हूँ, फिर से आप ऊपर करता हूँ, देखिए मैं थोड़ा सा इधर घुमाता हूँ आपको जिससे स्विच दिख जाए, ठीक है। अब मैं इसे ऊपर करता हूँ, देख गाइस इस पर कोई लोड नहीं पड़ा, आप इसको और भी लोड डाल सकते हो, और भाई बहुत ही मस्त चीज़ है। तो आप चाहे तो फ्रेंड डार्ट गियर मोटर लगा सकते हो, या फिर अगर आपको हाई टॉक चाहिए तो आप इस तरह गियर जरूर लगाइए। तो गाइस जैसे कि आपने देखा, मैंने बिल्कुल आपको लाइव लोड डालकर 10 के से ऊपर ये लोड है, और फ्रेंड इसने बिल्कुल भी स्लिप नहीं किया, बिल्कुल इस पर लोड नहीं पड़ा, आप वीडियो अगर देख सकते हो। तो गाइस आपको समझ भाई इसका काम क्या है। तो गाइस देखिए वैसे इंजीनियरिंग का प्रोजेक्ट है, तो अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे हो भाई बहुत बेस्ट प्रोजेक्ट है, आप इसे बना सकते हो, बहुत अच्छा ये प्रोजेक्ट काम करेगा। तो फ्रेंड्स आप इस पर और भी लोड डाल सकते हो, भाई मेरे पास जो था वो मैंने आपको डाल के दिखा दिया, आप इससे बड़ा बना सकते हो, ये प्रिंसिपल ही इससे छोटा बना सकते हो। तो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी दोस्तों, प्लीज वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और जितने भी इंजीनियर्स हमारे छोटे छोटे इंजीनियर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज जरूर बताएं आपको ये प्रोजेक्ट कैसा लगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, जल्दी मिलते हैं, बाय बाय।